हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे कंधों में है मैया। तो आज हम जाएंगे खेत में मैया लगाने, तो आपको भी सीधे ले चलते हैं खेत में। तो अभी जो आपको सामने नज़र आ रहा है, मुझे वहां तक जाना है, तो मैं ले जाऊंगा ये थर्मस पे चाय और इस पे पानी, और इनको मैं पहुंचाऊंगा अपने खेतों तक। तो चलते हैं खेत में। ये देखो साथियों, रास्ते में जाते हुए मुझे दो सांप दिखाई दिए हैं, वो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर दिए हैं। ये देखिए साथियों, आधे रास्ते से मेरे खेतों से और गांव तक जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो आपके सामने नज़ारा है। आखिरकार मैं खेतों तक पहुंच ही गया हूं। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारी खेती, और मैं आगे से आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये पूरा जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो हमारे खेतों का है, और मुझे अभी थोड़ी दूर काफ़ी आगे तक जाना है। अभी तो मैं रास्ते में पहुंचा हूं, चलो चलते हैं आगे। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो खेतों में मैया लगा रहे हैं, जिसको कहीं दनला भी कहते हैं, और हमारे यहाँ पर विशेषकर इसको मैया कहते हैं, जो सामने आपको दिख रहे हैं लगाते हुए। तो जब धान की खेती होती है और धान की छोटी छोटी पौध होती हैं, तो उसमें जो खरपतवार होता है, तो उसको साफ करने के लिए मैया लगाया जाता है, ताकि जो बाद में धान हो वो अच्छी पैदावार हो सके, इसीलिए धान में पहले मैया लगाते हैं। तो मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ बिट्टू, पम्मी और भाभी किस प्रकार से मैया लगा रहे हैं। तो ये देखिए, भाभी, पम्मी और बिट्टू मैया लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से खेतों में मैया लगता है। ये रिस्सू भी चला गया है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से सुंदर खेतों में मैया लगाने का नज़ारा है। ये देखिए, बिट्टू और रिस्सू भी मैया लगा रहे हैं, और पीछे से भाभी हैं। तो ये देखिए, हमने आज इतने बड़े खेत में मैया लगाया है। जो ये पूरा बड़ा खेत दिख रहा है, वो सब हमारा ही है, ये पूरा कर दिया है। काफ़ी थकान लग गई है। देखो भाई और छोटा वाला भाई, भाभी मैया लगा रहे हैं। ये देखिए, पहाड़ों में कुछ इसी तरह से खेती की जाती है। ये देखिए, खेतों से गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। वो सामने जो गांव दिख रहा है, वो मेरा गांव ब्योंग है। तो ब्योंग से हमारी खेती लगभग 1 किलोमीटर दूर है।
ये देखिए गांव दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो रिसु घास ले जाता हुआ, इसने आज इतना घास निकाला है। ये देखो बॉडी हमें देख के मजा लगाने आ गई है। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय उत्तराखंड।